नमस्कार, जय गुरुदेव। संदेश उज्जैन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। तो आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर की तरफ। बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताया 30 मार्च मुक्ति दिवस के समापन का इतिहास। जीवों की तकलीफों को दूर करने के लिए संत काल के नियमों को तोड़ते हैं और कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, वक्त के समर्थ संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज ने इंदौर में बताया कि जीवों की तकलीफों को दूर करने के लिए संत काल के नियमों को तोड़ते हैं और कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। इमरजेंसी में शासन के लोगों द्वारा गुरु महाराज को बड़ी तकलीफें दी गई हैं। 21 महीने जेल में रखा, अत्याचार का अंत हुआ। 23 मार्च को गुरु महाराज बाहर आए, तब से प्रेमी मुक्ति दिवस मनाने लगे, झंडा लगाने लगे और 30 मार्च को उतार देते हैं। गुरु महाराज को सम्मान, पेंशन, प्रशस्ति पत्र सब मिला, लेकिन जिसने अपने पुत्र परिवार के लिए अत्याचार किया वो सब अकाल मृत्यु में गए। अब देखो उनका नाम खत्म होता जा रहा है। संत और अत्याचारी दोनों मनुष्य शरीर में ही रहे तो खान पान का अंतर रहा है। खान पान के खराब होने से कूढ़ता आ जाती है। गुरु आदेश का पालन करने वाले पर गुरु की दया होती है, दुनिया के काम में भी मदद मिलती है, थोड़ी ही मेहनत में ज़्यादा फायदा होने लगता है। 31 मार्च को बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा इंदौर में सत्संग एवं नामदान किया जाएगा, आप भी पधारें। जय गुरुदेव।